हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं मोहम्मद अली सुमरो। नवाब शाह से आपको खबर दें कि नवाब शाह में शकरन के करीब कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 40,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है जो बह रहा है। ड्राइवर और हादसे में जख्मी होने वाले दीगर अफराद के बारे में आपको बताएं कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पेट्रोल से भरा टैंकर कराची से पंजाब जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से टैंकर उल्टा है। मजीद इस वाकये के बारे में जानेंगे, असद बुखारी हमारे साथ हैं। असद, क्या रिपोर्ट है आपके पास? ये ऐसा है कि सकरन के करीब जो है कौमी शराब पर जो है 5 मील स्टाफ के मुकाम पर जो है ऑयल टैंकर लौट गया है। उसके मुताबिक जो है टैंकर में 40,000 लीटर जो है पेट्रोल मौजूद है जो तेजी से बह रहा है। किसी भी जो नाखुशगवार वाकई के पीछे नजर फायर ब्रिगेड जो है वो तलब कर ली गई है। फायर ब्रिगेड की जाने से जो है पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। जो पेट्रोल जो है वो तेजी से बह रहा है। अब मैं चलूँ की पुलिस ने जो है वो कौमी शराब को रुकावटें लगाकर जो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जो है टैंकर के जो ड्राइवर थे उसको नींद आ जाने के बाद जो है ये हादसा पेश आया है, जिसमें हेल्पर और ड्राइवर जख्मी हो गए, जिन्हें सकरन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो है पेट्रोल जो से भरा टैंकर जो है वो कराची से पंजाब जा रहा था। जी अच्छा, जब भी इस तरह का कोई वाकया असद पेश आता है तो ये देखा जाता है कि करीबी मौजूद लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, तो इस तरह कोई वाकया तो नहीं पेश आया? ये ऐसा है कि जैसे ही हादसे की इत्तला मिली पुलिस को, थोड़ी तो अपने पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने जो है कॉर्डन ऑफ कर लिया है, चारों तरफ से जो है बंद कर दिया इलाके को है, ट्रैफिक की रवानी भी बंद कर दी गई, इलाके की मशीनों को है वो दूर रखा गया है। जी और क्या सारा पेट्रोल बह गया है या बचाया जा सका है? जी ऐसा है कि टैंकर जैसे उल्टा है तो लीकेज हो गई है और तेजी से वो तेल बह रहा है। वो तेल बहने का सिलसिला जारी है। अभी तक जो रेस्क्यू का अमल भी शुरू नहीं किया गया है और आपका चलूंगे कौमी शराह को बंद कर दिया गया, जिसके बाद जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुअत्तल है। जी शुक्रिया, हमें असद बुखारी नवाब शाह से रिपोर्ट कर रहे थे।